महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना एवं आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के विरोध में कांग्रेस ने किया जंगी धरना प्रदर्शन, साथ ही गिरफ्तारी देकर जताया अपना आक्रोश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा शुक्रवार को हिंदी भवन के सामने गांधी प्रतिमा के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर जंगी प्रदर्शन किया गया, साथ ही अपनी गिरफ्तारी देकर जताया आक्रोश। वहीं प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनमाना तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना एवं आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के विरोध में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इस जंगी प्रदर्शन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य आरएन वर्मा, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, महापौर धीरज बाकरीवाल, सभापति राजेश यादव के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पदाधिकारी, बूथ पदाधिकारी, वार्ड व प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, पार्षद, एल्डरमैन, पूर्व पार्षद इस जंगी धरना प्रदर्शन कर केंद्र की भाजपा सरकार की गलत जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। इस संबंध में कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देश में जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। तेल या खाने की जो भी वस्तुएं हैं उनके दाम दो गुने से ज़्यादा हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, खासकर सामान्य परिवार के लोग घर चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और मोदी सरकार जो वादा की थी कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपये डालेंगे, आपका महंगाई कम करेंगे, रसोई गैस फ्री में देंगे और लोगों को रोजगार देंगे, इन सब बातों को भूल गई है। और लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ये स्थिति आ गई। इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन किए थे, चक्का जाम किए थे, उसके जो देश में तानाशाह रवैया मोदी सरकार आ रही है, मना कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए थे। ईडी की कार्रवाई आपका इनकम टैक्स का रेट, आपका DRI, CBI, सबका जो सरकारी तंत्र है, सबका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इस महंगाई का विरोध नहीं किया जाएगा तो जिस प्रकार श्रीलंका में हश्र हुआ है, जिस प्रकार पाकिस्तान में जो हश्र हुआ है, यहाँ भी होने की संभावना है। इसलिए महंगाई कम किया जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। महंगाई जो बढ़ाई जा रही है, सामान्य वस्तुओं में जो GST लगाया गया है उसे भी कम करो। आज ये स्थिति है कि महंगाई दर को बढ़ाने के लिए GST लगाया जा रहा है। बच्चों को जो दूध दिया जा रहा है, मही दिया जा रहा है, मठा दिया जा रहा है, उसमें भी GST कर लगा दिया गया है। इसलिए कांग्रेस जन यह मांग करती है, जब तक GST इन सामान्य वस्तुओं से नहीं हटा जाएगी तब तक विरोध हमारा जारी रहेगा और गिरफ्तारियां दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि वह कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस को साथ दे। जय हिंद, धन्यवाद। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।